तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है फॉर एन एपी इफ 18 टर्म्स माइनस 14 टर्म्स इज 32 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है 2012 क्वेश्चन, वन मार्क क्वेश्चन, बड़ा आसान सा नंबर है। देखिए सॉल्यूशन 18 टर्म्स ए 18 माइनस 14 टर्म्स ए 14 इक्वल्स टू 32। यहाँ पर आपको एन का फॉर्मूला लगा देना है, एन का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, सही है। तो ए 18 की जगह पर आप लिख सकते हैं ए प्लस 18 है तो 18 माइनस वन 17, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 17 डी माइनस 14 टर्म्स की जगह पर हो जाएगा ए प्लस 14 माइनस वन अदर 13 डी इक्वल्स टू 32। अब अगर हम रिकॉर्ड खोलते हैं इसका तो ये बन गया ए प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 13 डी इक्वल्स टू 32, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, 17 डी माइनस 13 डी बन गया 4 डी इक्वल्स 32 और दिस प्लस डी इक्वल्स टू 8, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, सीबीएसई 2012 क्वेश्चन। देखिए टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पहला नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है। तो टू डिजिट नंबर अपना स्टार्ट होता है 10 से, तो 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट नंबर आ गया हम 11 डिवाइड नहीं होता, 12 डिवाइड होता है 3 से, 3 4 12। तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए इसका, फर्स्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा आपका 12। ठीक है ना, पहले टू डिजिट नंबर जो कि 3 से डिवाइड होता है वो आपका हो गया 12। अब फर्स्ट मिल गया तो लास्ट पे आपको देखना पड़ेगा, लास्ट क्या देखिए, लास्ट आपका टू डिजिट नंबर आप स्टार्ट कीजिए 99 से, टू डिजिट नंबर लास्ट नंबर 99 और 99 3 से डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट थ्री डिजिट नंबर, लास्ट थ्री डिजिट नंबर सॉरी टू डिजिट नंबर नंबर डिविजिबल बाय 3 बन गया आपका 99। सो द सिक्वेंस इज, सो द ए पी इज लिख सकते हैं आप क्या होगा, देखिए ये आपको 3 डिजिट नंबर आपका पहला कहाँ से था, 12 से था। तो 12 क्योंकि ये 3 का मल्टीपल आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 बोले तो 12 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 15 होगा, फिर 18 होगा और आखिरी कहाँ तक होगा, 99 तक। तो इस ए पी के लिए आपको ए का वैल्यू मिल गया आपको 12, डी का वैल्यू आप जानते हैं 82 माइनस ए 1, 15 माइनस 12 आपको मिल गया 3, और लास्ट टाइम आपको बोला गया था ए एन लेने के लिए, ए एन का वैल्यू मिल गया आपको 99। बस आप ए एन का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या आता है ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 99, ए का वैल्यू था 12, तो 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 99। 12 देखिए इधर ऐड हुआ था कि सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 99 माइनस 12, मैं डी का वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ सॉरी, गलत, डी का वैल्यू 3 था, चेद्रा को मिल गया n माइनस वन इक्वल्स टू, ये हो गया आपका देखिए 87 इक्वल्स टू 87 या n माइनस वन इक्वल्स टू 87 बाय 3 या फिर n माइनस वन इक्वल्स टू, ये बन गया आपका 87 बाय 3, ये हो गया 27 या फिर n का वैल्यू आपको मिल गया 28 सॉरी, ये होगा आपका 29 होगा, 29 प्लस 1 30। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट हमें देखते हैं, इफ द नंबर्स एक्स माइनस 2 4 एक्स माइनस 1 एंड 5 एक्स माइनस 2 आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है तो जस्ट मैं पढ़ा था इंट्रोडक्शन क्लास में कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन प्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है ना, एथमेटिक मीन्स हमको ये रिलेशन मिला था, तो पहला वाला टर्म को हम ए मानते हैं, दूसरा वाला को बी, तीसरा वाला को सी, पुट कहते हैं 2b, 2 इंटू बी के जहाँ पे हो गया 4x माइनस 1 इक्वल्स टू ए प्लस सी, ए के जहाँ पे x माइनस 2 प्लस सी के जहाँ पे आ गया 5x माइनस 2 और दिस इंप्लाइज 2 4 8 8x माइनस 2 इक्वल्स टू x प्लस 5x हो गया 6x माइनस 4, x को एक बार हम ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो गया 8x प्लस 6x था क्या हो गया माइनस 6x माइनस 4 प्लस 2 या फिर 2x इक्वल्स टू माइनस 2 या फिर x का वैल्यू आपको मिल गया, x का वैल्यू मिल गया माइनस 1। ठीक है, सपोज द वीडियो नोट इट डाउन।
तब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन का नंबर कि फाइंड द नाइन्थ टर्म, नाइन्थ है ला, फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 5, 9, 13, .. 185। देखिए नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोला है, ठीक है ना। तो एंड बोलने से इसका क्या होता है फॉर्मूला देखिए, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का हो जाता है फॉर्मूला ए एन, डेट इज लास्ट टर्म, माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के लिए 5, 9, 13, .. 185 के लिए आपको ए का वैल्यू मिल गया 5, डी का वैल्यू होता है a2 - a1, मतलब 9 - 5 या फिर 4, और ए एन लास्ट टर्म का वैल्यू आपको मिल गया 185, ठीक है। तो नाइन्थ टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला हो जाएगा a n - n - 1 × d, ए एन मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमको मिला था 185, माइनस एन माइनस वन, एन मतलब 9 माइनस वन, और डी का वैल्यू हमको मिला था 4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये हो गया 185 माइनस 9 - 1 8, 8 × 4, या फिर 185 माइनस 8 = 32, या फिर हो गया 3, 5, 1। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ एन ए पी इज 3 times द 11th टर्म, ठीक है। तो फोर्थ टर्म अगर हमारा 0 है, सोल्यूशन देखिए, फोर्थ टर्म 0 मतलब ए 4 का वैल्यू आपको दे दिया 0। अब फोर्थ टर्म का आप लिख सकते हैं a + 3d = 0, लेट इट बी क्वेश्चन 1, देखते हैं हमारा आगे कुछ यूज है कि नहीं है इसका। प्रूव दैट द 25th टर्म इज ऑफ एन ए पी इज 3 times द 11th टर्म। तो 25th टर्म मीन्स a25 इज इक्वल्स टू क्या बोला है, 3 times ऑफ 11th टर्म, मतलब a 11, ये आपका क्वेश्चन है प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा 3 × 11 टर्म्स, मतलब हो जाएगा आपका, हम उल्टा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम 25th टर्म से स्टार्ट करते हैं। एक 25th टर्म्स इज 3 times ऑफ 11th टर्म्स, a25 को आप लिख सकते हैं a + 24d, और फिफ्थ टर्म इज 3 times 11th टर्म्स, और 3 times ऑफ 11 टर्म्स मतलब 3 × a11, इनको हम इक्वल दिखाना है, मतलब 3 ऑफ 11 टर्म्स हो गया आपका a + 10d, या फिर 3a + 30d। तो क्या मैं इस चीज़ को ले सकता हूँ, देखिए 3a को मैं a अलग से लिख दे रहा हूँ, प्लस ये 30d को मैं 24d लिख दे रहा हूँ, प्लस 2a + 6d, ऐसा लिखने का कारण क्या था, देखिए मुझको क्या दिखाना था, 3 times ऑफ 11 टर्म्स इज 25th टर्म, और 25th टर्म मेरा क्या था, a + 24d, तो मैं इसको तोड़ दिया, देखिए 3a से a लिखा और 30d से 24d लिखा, इधर 3a से कितना बचा, 2a बचा इधर, और 30d में से 24d लिखा तो 60 बचा इधर, अलग अलग कर दिया। इस तरह करने का कारण हुआ कि ये मुझको क्या मिल जाएगा, 25th टर्म मिल जाएगा इसीलिए। तो ये देखिए, ये तो मिल गया आपका 25th टर्म, a 25 हो गया, क्योंकि a + 24d आपका 25 टर्म का होता है। और क्या ये दोनों टर्म में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले गया तो मिल गया मुझको a + 3d। और ध्यान से देखिए, a + 3d फ्रॉम इक्वेशन ऑन द वैल्यू a + 3d इज 0, तो यहाँ पे ले सकता हूँ a 25 + 2 × 0, सो ये आपको मिल गया, देयरफॉर 3 times ऑफ 11th टर्म इज इक्वल्स टू 25th टर्म, हेंस प्रूव। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 18, 16, 24, .. बी टेकन सो डेट द सम इज 0, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए, अगर हम ए पी लिख लेते हैं पहला, ये हो गया हमारे गिवन ए पी 18, 16, 14, चला जा रहा है ऐसा। तो इस गिवन डाटा में से हमको, गिवन ए पी से हमको क्या मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया 18, बी का वैल्यू होता है a2 - a1, मतलब 16 - 18, या फिर वैल्यू मिल गया -2, ठीक है। और हमको बोला है कि सम निकालो, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, ताकि उसका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब SN must be equal to 0, ये हमारा गिवन डाटा था, SN = 0। अगर हम SN का फॉर्मूला पुट कर दें, SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, और इनमें जो जो वैल्यू को पता है सब वैल्यू पुट करते हैं, n का वैल्यू नहीं पता तो n/2 रहेगा,
20 ए फर्स्ट टर्म पता आपको 18 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता तो ऐसे रहेगा, और टी का वैल्यू पता आपको माइनस टू इक्वल टू जीरो। देखिए टू इधर डिवाइड हुआ था कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो इंटू टू जीरो बन गया, तो यहाँ पे बचा एन मल्टीप्लाइड विथ टू इंटू 18 बन गया आपका 36, माइनस टू इंटू एन बन गया माइनस टू एन, और माइनस वन इंटू माइनस टू बन गया प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया एन इंटू 36 प्लस टू बन गया 38 माइनस टू एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इनको, तो यह मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट अगर इक्वेट कर दें, यहाँ से हमको मिला देयरफॉर एन इक्वल टू जीरो और 38 माइनस टू एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमको मिल गया, देखिए एन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि एन के पास जीरो हो नहीं सकता, जीरो लेंगे कैसे होगा, जीरो टर्म्स का सम कभी जीरो नहीं आएगा, ए पी है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या मिल गया 38 है, सॉरी मिल गया 38 इक्वल टू टू एन प्लस एन इक्वल टू 38 बाय टू डेट इज इक्वल टू 19, सो 19 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 49 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। सीबीएसई 2016 क्वेश्चन, टेस्ट टू क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब आपको एस 7 का वैल्यू दे दिया 49, ठीक है। अब आप एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, एस एन का फॉर्मूला आ जाता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ एस सेवन के जगह पे, तो एस सेवन का फॉर्मूला आ जाएगा एन बाई टू, एन के जगह पे देखिए सेवन, एस सेवन मतलब एन का सेवन है वैल्यू, तो सेवन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मीन्स हो गया सेवन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 49। देखिए सेवन बाई टू तो मल्टीप्लाई होता है कि डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू ए प्लस सेवन माइनस वन हो गया सिक्स डी इक्वल्स टू 49 इंटू टू बाय सेवन, सेवन वन था सेवन सेवन था, या फिर आपको इक्वेशन मिल गया टू ए प्लस सिक्स डी इक्वल्स टू 14, लेट इट बी इक्वेशन वन। और सर नेक्स्ट गिवन डाटा था सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, एस 17 इक्वल्स टू 289, और एस 17 में अगर मैं एस एन का फॉर्मूला पुट करूँ तो एन बाय टू, एन की जगह पर 17 है, तो ये जगह 17 बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब ये बन गया क्या 17 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 289। तो आपको मिल गया टू ए प्लस 17 माइनस वन हो गया 16 डी इक्वल टू 289 इंटू टू बाय 17, 17 माइनस 17 17 का, तो आपको मिल गया टू ए प्लस 16 डी इक्वेशन 17, टू जा बन गया आपका 34 इक्वेशन टू। अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गया, टू वेरिएबल्स ए और डी, और आपको दो इक्वेशन मिल गया। आप किसी मेथड में जाइए, आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं चैप्टर 3, आइदर आप एलिमिनेशन के लिए जा सकते हैं, बेस्ट होता है, या सब्सटीट्यूशन। मैं एलिमिनेशन के लिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट सेम है टू ए टू ए, तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, अगर मैं सेपरेट कर दें दोनों को, आपको मिल गया टू ए प्लस सिक्स डी इक्वल टू 14, और दूसरा इक्वेशन मिल गया टू ए प्लस 16 डी इक्वल टू 34। नीचे वाला इक्वेशन का साइन चेंज होगा क्योंकि मैं सेपरेट कर रहा हूँ, तो ये माइनस ए माइनस ए माइनस ना, सिक्स डी माइनस 16 डी बन गया आपका माइनस 10 डी, बड़ा का साइन है इक्वल टू 14 माइनस 34 बन गया माइनस 20, और यहाँ से आपको मिल गया therefore d का वैल्यू गया माइनस 20 बाय माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, d का वैल्यू कितना मिल गया आपको 2। अगर आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। मैं वन में पुट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में अगर मैं पुट कर दूँ तो मिल गया टू ए प्लस सिक्स डी मतलब सिक्स इंटू टू इक्वल टू 14, तो या फिर ये टू ए सिक्स इंटू टू हो गया 12, या 14 माइनस 12, तो ये मिल गया टू ए इक्वल टू 2, और ए का वैल्यू आपको मिल गया 1। तो अब आपको ए और डी का वैल्यू मिल गया। अब आपको बताया था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। अब एस एन का वैल्यू होता है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी
एन का वैल्यू हमको नहीं पता, तो एन का वैल्यू ऐसे रहेगा एन बाई टू इंटू टू ए, ए का वैल्यू मिल चुका हमको वन प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू आपको मिला था टू, ठीक है। तो आपको ये मिल गया एन बाई टू इंटू टू इंटू वन टू प्लस टू टू इंटू एन टू एन माइनस टू प्लस टू माइनस टू कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया एन बाई टू इंटू, देखिए यहाँ पे सिर्फ टू एन बचा, टू एन टू टू कैंसिल आउट हो गया एन स्क्वायर। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम देखते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी 65 60 55 डॉट डॉट बी टेकन सो डेट द सम इज जीरो। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इस टाइप का नंबर हम कर चुके हैं जीरो वाला। तो सबसे पहले आप ए पी लिख लीजिए आप, सो द गिवन ए पी 65 60 55 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस ए पी से हमको मिल गया ए का वैल्यू मिल गया आपको 65, डी का वैल्यू होगा ए टू माइनस ए वन डेट इज 60 माइनस 65, डी का वैल्यू मिल गया माइनस 5। क्वेश्चन बोला था सम में जीरो, डेट मीन्स एस एन का वैल्यू आपको बोल दिया है कि जीरो होना चाहिए। अब एस एन का फॉर्मूला आपको पता है कि एन बाई टू 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एन का वैल्यू हमको नहीं पता, तो एन बाई टू रहेगा टू इंटू ए, ए का वैल्यू आपको मिला था 65 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता तो ऐसे ही रहेगा, और डी का वैल्यू मिल गया था 5 इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, सॉरी माइनस 5। अब ये हो गया, देखिए n बाई टू इंटू टू इंटू 65 बन गया आपका 130 माइनस 5 इंटू एन माइनस 5 एन ये मिल गया प्लस 5 इक्वल टू जीरो। देखिए ये टू जाके डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो गया बन जाएगा जीरो, तो आपको मिला n इंटू 135, देखिए 130 प्लस 5 135 माइनस 5 एन इक्वल टू जीरो। अगर हम दोनों को इक्वल करते हैं जीरो के साथ तो एन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, एन का भी जीरो नहीं हो सकता। सो देयरफॉर 135 माइनस 5 एन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और 5 एन इक्वल टू 135, और दिस इंप्लाइज एन का वैल्यू मिल गया 135 बाय 5, और दिस इंप्लाइज एन का वैल्यू मिल गया 5 टू जा 5 7 जा, सो यस 27 इज द रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 27 24 21 सो ऑन शुड बी टेकन सो डेट देयर सम इज जीरो। अगेन सीबीएसई 2016 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, मतलब ये अलग अलग सेट में आ सकता है, ठीक है ना। हो सकता है उससे पहले हमने बाकी थे ए सेट हो या बी हो, तीन सेट होता है आपके अलग अलग क्वेश्चन सेट के क्वेश्चन। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, बस उनका नंबर चेंज हो गया, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं, हमारा एपी हमारे पास 27 24 21 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमको ए का वैल्यू मिल गया 27, कॉमन डिफरेंस होता है आपका ए टू माइनस ए वन, डेट मीन्स 24 माइनस 27 आपको मिल गया माइनस 3। क्वेश्चन में बोला था सम में जीरो, डेट मीन्स एस एन इज इक्वल टू जीरो, और एस एन का फॉर्मूला आपको पता है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एन का वैल्यू नहीं पता, एन बाय टू इंटू टू ए, ए का वैल्यू हमको पता है 27 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू पता आपको माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो आपको ये मिल गया एन बाय टू मल्टीप्लाइड विथ 27 कितना बन गया 54 माइनस 3 इंटू एन माइनस 3 एन माइनस 3 इंटू वन प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब आपको देखिए ये 2 मल्टीप्लाई होता है कि डिवाइड हो गया एन इंटू 57 प्लस 3 54 प्लस 3 57 माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, दोनों में से एक टर्म जीरो होंगे, इससे पहले नंबर पे आप देख चुके हैं। एन तो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो एन कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 57 माइनस 3 एन इक्वल टू जीरो, या फिर 3 एन इक्वल टू 57, या फिर एन का वैल्यू मिल गया 57 बाय 3 3 वन जा 3 वन जा 3 3 नाइन जा 27, सो देयरफॉर एन इक्वल्स टू 19 इज रिक्वायर्ड आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। देखिए डिविजिबल बाय बोथ बोला है, मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है।
अब दोनों से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर्स क्या हैं, जो मल्टीपल ऑफ 10 है। अब चेक कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ 10, अगर मैं 10 का बात करूँ तो 10 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 20 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, एंड बोल दिया, मतलब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, जो होगा मल्टीप्लाई में तो नहीं, एलसीएम ले लीजिएगा आप, ठीक है, 2 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 10। तो देखते हैं हम सोल्यूशन, तो 101 और 999 के बीच में पहला नंबर जो कि 10 से डिवाइड होता है वो क्या है, देखिए 101 के बीच और 999, 102 नहीं होता, 3 नहीं होता, 104 नहीं होता, होता है 110। तो पहला नंबर आपको मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 110, क्योंकि हम मल्टीपल ऑफ 10 देख रहे हैं तो डी कॉमन डिफरेंस 10 होगा ही, और आखिरी नंबर 999 है, तो उससे हम नीचे आएंगे 999, 998, 997 इस तरह नीचे आता है तो हमको मिलेगा लास्ट टर्म 990। तो आपको ए बी और ए एन का फॉर्मूला मिल गया, आप यहाँ से एन निकालेंगे, ठीक है, ए एन का फॉर्मूला पुट करते हैं, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन का वैल्यू हमको मिला था 990, ए का वैल्यू मिला था 110, एन का वैल्यू निकालना है माइनस वन, डी का वैल्यू दिया 10, तो प्लस था इधर क्या हो जाएगा माइनस 990 माइनस 110 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 10, 990 माइनस ये हो गया आपका 0880 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 10, या फिर एन माइनस वन इक्वल्स टू 880 बाई 10, 0 कट गया, तो यहाँ से आपको मिल गया एन माइनस वन इक्वल्स टू 88, ठीक है ना, तो एन का वैल्यू आपको मिल गया 89। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 3n² + 6n, फाइंड द nth टर्म ऑफ द ए पी, सीबीएसई 2014 क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी है और फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास सीक्वेंस है a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या है, वही फर्स्ट टर्म है, तो s1 इज इक्वल्स टू a1 होता है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स s2, पहला दो टर्म्स का सम क्या होगा a1 प्लस a2, एंड सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स s3 का वैल्यू क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन, a4 का होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखते हैं, इस ap का सम जो है वो किसे दिया जा रहा है, 3n² + 6n से, सम मतलब sn का वैल्यू दे दिया आपको 3n² + 6n। अगर वैन मैं n का वैल्यू 1 मान के चलूँ, n का वैल्यू कितना है n = 1, तो s1 क्या हो जाएगा 3 × 1² + 6 × 1, तो 3 × 1² हो गया 3 + 6 × 1 = 6, जो कि s1 का वैल्यू आपको मिल गया 9। और s1 देखिए मैं अभी जस्ट लिखा था, s1 का वैल्यू किसके साथ इक्वल होता है a1 के साथ, तो आपको a1 का वैल्यू मिल गया 9। बात क्लियर है। उस तरह मैं n का वैल्यू को 2 एज्यूम करूँ, वैन n इक्वल्स टू 2, एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ n एज 2, वी गेट s2 विच इज इक्वल्स टू 3 × 2² + 6 × 2, दैट इज 3 × 2² = 4 + 12, 3 × 12 + 12 आपको कितना मिल गया 24। ये s2 है, और s2 मतलब क्या लिखे थे हम a1 + a2, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया a1 + a2 का वैल्यू आपको मिल गया 24, और जहाँ की a1 का वैल्यू 9 है, तो 9 + a2 = 24, तो यहाँ से आपको मिल गया a2 = 24 - 9, या फिर a2 का वैल्यू आपको मिल गया 15, ठीक है। अब आपको a1 और a2 का वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ से आप d निकाल लेंगे, therefore d का वैल्यू होता है a2 - a1, दैट इज 15 - 9, या फिर आपको वैल्यू मिल गया 6। वंस आपको ए और डी मिल जाता है, आप nth टर्म निकाल सकते हैं, बोला था क्वेश्चन में फाइंड द nth टर्म, और nth टर्म क्या होगा ए एन, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए का वैल्यू आपको मिल चुका है 9, तो हो जाएगा 9 + n - 1, डी का वैल्यू हो गया 6, ठीक है, तो आपको ये मिल गया 9 + 6n - 6, या फिर nth टर्म आपको मिल गया 6n, 9 - 6 = 3, 6n + 3, ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, सो पॉज द वीडियो।